क्यों तो कैसे हैं आप सर? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन करेंगे, अच्छे समझेंगे अच्छे से, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन में इमिट हो सकते हैं इमिट, क्यों यहां पे अच्छे से मैंने बताया। देखिए बच्चों अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ की जो होती थी रेडिएशन, वो आती थी स्ट्राइक करती थी किसी एक मेटल के सरफेस पे और फिर क्या होता था पुचुक से क्या करते थे इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे बाहर और इनको ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते थे। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? अब बताइए बच्चों, हमने अभी अभी आपको बताया था व्हेन E, मतलब जो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, जो मैं इसे प्रोवाइड करवा रहा हूं यहां पे, जो फोटॉन्स की एनर्जी है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन फाई मतलब वर्क फंक्शन से ग्रेटर है, तो मैंने कहा था इट इज नॉट कंपलसरी या नेसेसरी टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस। क्यों? व्हेन देन वाई इलेक्ट्रॉन्स मे इजेक्टेड आउट फ्रॉम द मेटल सर्फेस, ये अभी मैं बताऊंगा इससे। क्यों ये मे कह रहा है? हो सकता है कि निकले और हो सकता है ना निकले, ऐसा क्यों? देखिए केसेस यहां पे देखिए, मैंने कहा जो फोटॉन्स की जो एनर्जी है, ठीक है, मैं मान के रखता हूं क्या है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फोटॉन्स की एनर्जी, ठीक है, किसकी? फोटॉन्स की एनर्जी। और जो वो वर्क फंक्शन लग रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करा रही है ये रेडिएशन, वो कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकालने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैंने माना कि सरफेस पे था इलेक्ट्रॉन और उसमें कोई भी कोलिजन नहीं हुआ, होगा तो है ही बट आइडियल मान रहे हैं हम लोग कि कोई भी कोलिजन नहीं हुआ, कहीं भी भिड़ा भिड़ा नहीं, पट से तुरंत क्या हुआ निकल के बाहर चला गया, ठीक है। तो मैंने माना आइडियल कंडीशन कि क्या जो एनर्जी वेस्ट हुई है कोलिजन में वो जीरो है, माना है। तो बताइए बच्चों जो बची हुई एनर्जी होगी उसे क्या कहेंगे? हां कि ना? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जा रही थी फोटोन की एनर्जी, उसने किसको दी? इलेक्ट्रॉन को दिया एनर्जी और वे उसको दिया कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन दिया और वो निकली एनर्जी, हां कि ना? उसके पास बची कितनी एनर्जी? कितनी? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास बची। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी बची है वो कौन सी एनर्जी है? थोड़ा दिमाग लगाइए, वो कोई और नहीं एनर्जी है बच्चों, वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकला है, यहां से जो चट से निकला है, इसकी क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, समझिए बच्चों। अब बच्चों यहां पर आप एक चीज देखिए कि यहां पर कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा है, कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा है, मतलब जिस एनर्जी जो इसके अंदर बची हुई है एनर्जी, जिस एनर्जी से ये निकला हुआ है वो क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। क्या है? मैक्सिमम। यहां पे जो एनर्जी मिल रही है हमें वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, बट ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम, ठीक है, समझ रहे हैं? और यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आइंस्टीन इक्वेशन में यूज हुआ है। आइंस्टीन भाई साहब ने क्या किया था, इन्होंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताई थी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, मैक्सिमम। अब देखिए सेकंड केस देखते हैं बच्चों, जो केस सेकंड है कि फोटॉन्स की तो एनर्जी सेम रहेगी सब में, तो फोटॉन्स के पास एनर्जी इतनी थी, उसने क्या किया? उसने वेस्ट कितना किया? 2। वर्क फंक्शन सेम रहेगा, सेम मेटल लिया है तो वर्क फंक्शन उसका कितना आया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पर कोलिजन में मतलब भीड़ भीड़ रहा है, अब मैंने माना आइडियल नहीं है, भीड़ भीड़ रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट कर दिया, मतलब टोटल कितनी वेस्ट किया? 5, 2, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट कर दिया, बची कितनी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना, जिससे वो निकला है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, समझ में आया? हाँ कि ना। अब इसी तरह अगर आप देखें, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, वर्क फंक्शन इतना था और कोलिजन में भिड़ा उड़ाओ में उसे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च कर दिया, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे वो निकला है वो क्या होगी?
वो क्या होगी, दो होगी? नहीं बच्चों, देखिए बच्चों यहां पे वर्क फंक्शन दो तो वेस्ट कर चुका, आठ कोलिजन में वेस्ट कर चुका, बची कितनी उसके पास? जीरो एनर्जी। मतलब जिस जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जो निकलेगा बाहर उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। मतलब उसके पास एनर्जी नहीं होगी, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए ये वाला स्पेशल केस, देखिए देखिए मे वाला कि इलेक्ट्रॉन, देखिए देखिए अब देखिए एनर्जी फोटॉन से क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ कि ना। अब प्रोवाइड ये वर्क फंक्शन कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कोलिजन में वो वेस्ट करना चाहता है, मैं वेस्ट करना चाहता हूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कह रहा है कि कोलिजन में इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, वेस्ट करना चाहता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इतनी तो एनर्जी है ही नहीं उसके पास। मतलब बची है कितनी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास बची है एनर्जी इसको इसको देने के बाद, हाँ कि ना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और करना चाहता है, तब तो है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकलेगा नहीं बाहर, समझ में आया कि नहीं? इसीलिए कहा गया मे कम आउट, निकल सकता है और नहीं भी निकल सकता है, समझ में आ रहा है? इन सब में क्या कर रहा है, निकल रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो और वेस्ट करना चाहता है वो इलेक्ट्रॉन, समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए कहा गया मे। और ये याद रखिए कि आइंस्टीन जी ने जो इक्वेशन दी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए दिया है, कि इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है वो इन्होंने बताया। ये देखिए, अब ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान से सुनिए, जब कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा था, आइडियल के लिए कहा, जब कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा था, यहां पे कोई भी वेस्ट नहीं हो रही थी एनर्जी, उसके लिए ये दिया था। अब बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी, जो हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई है और जो एनर्जी यहां पे वर्क फंक्शन में लगी है उससे माइनस कर दें, ठीक है, ई माइनस फाइव, तो बचेगी कितनी हमारे पास, यहां पे बताइए कितनी बचेगी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी बचेगी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यही इन्होंने कहा हमारे आइंस्टीन साहब ने, क्या कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो ई माइनस फाई होगी। अब यहां से हमें पता है E is equal to hc by lambda होती है, ये रेडिएशन की मतलब फोटोन की जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं hc by lambda, और हमें फ्रीक्वेंसी पता है c by lambda होती है, हाँ कि ना, इसको पुट कर देंगे यहां पे c by lambda, जो कि हो जाएगा hf minus phi, हाँ कि ना। तो ये तीन इक्वेशन हमें मिल जाएंगे अच्छे से, समझ में आया कि नहीं? इसी इक्वेशन को कहा गया क्या कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, क्योंकि इन्होंने ही दिया था, समझ में आया? इन्होंने किसके लिए दिया, मैक्सिमम के लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिया इन्होंने, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी, समझ में आया कि नहीं? और बहुत सारे टीचर्स अगर बच्चों देखिए ऐसे लिखवा देते हैं, क्या करते हैं कि E is equals to phi plus काइनेटिक एनर्जी, हाँ सही है, बट स्पेशल केस के लिए। वो केस क्या है, ये वाला केस, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब मैक्सिमम के मैक्स कहा जाए के मैक्स के लिए सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? पर अगर ऐसे लिखवा दे रहे हैं, इज इट ट्रू, तो ये गलत है। अगर मैक्स लिखा हुआ है तब सही है, समझ में आया कि नहीं? बट ये गलत है, समझ में आया कि बच्चों, हाँ कि ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये क्या हो रही, इतना तो वर्क फंक्शन लग रहा है, और भी तो एनर्जी वेस्ट हो रही है कोलिजन में, वो भी तो एनर्जी यहां पर होनी चाहिए, बट है ही नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? और भी तो हो रही है, इसका और इसका समीशन कर दे तो ये निकल आएगा एनर्जी, नहीं, ये भी तो वेस्ट हो रही है एनर्जी, फिर बाद में ये मिल रही है। अगर मैं इसका और इसका समीशन कर दूं, 2 3 2 5 है कितनी, 10, तो 3 2 5 इज इक्वल टू 10, नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत। समझ में आया किसके लिए ट्रू है, इसके लिए, मैक्स के लिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगी, समझ में आ रहा है, आइडियल के लिए, किसके, आइडियल केस, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना प्यारे बच्चों। चलिए अब इसे अच्छे से लिए, अब और अच्छे से एक चीज समझते हैं हम लोग।